हाउस एवरीवन, आप सभी को फिर से एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियो पर स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल वीडियो में आपके लिए ब्लैक बेल्ट का क्लास 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा। आपको ये एडवांस टेक्निक सीखना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, और बताए हर स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रैक्टिस करना है। आप कहीं पर भी समझ नहीं पाते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आपको SMS करना है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए आपको टाइप करना होगा FLMasala.academy, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, आप घर में रहकर आसानी से सीख पाओ। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट बिगिन। पहला स्टेप, आपको ऐसे यही पोजिशन में आ जाना है, ऐसे ही। फिर आपको राइट लेफ्ट बैक लेके आगो के ब्लॉक करना है। देखो ऐसे ही राइट लेफ्ट बैक लेके आगो के ब्लॉक करना है। जब आप आगो के ब्लॉक करते हो तो आपका हिप मोमेंट 48 डिग्री एंगल में रहना चाहिए और पुल बैक हैंड फुल रहना चाहिए। जो लेग पीछे है उसी लेग से आपको फ्रंट की करना है मिड सेक्शन पर। देखो आपको ऐसे ही हिप इन करते हुए आपको लिफ्ट करना है मिड सेक्शन पर, फ्रंट की करना है, ऐसे वापस लेना है। फिर जहाँ था पैर वहीं पर लेना है। जो लेग पीछे है उसी हाथ से आपको पंच करना है मिड सेक्शन पर, जिसे कहते हैं याकुजोकी। आपको ऐसे स्लो में पहले प्रैक्टिस करना है। देखो और एक बार, पहले आपको ऐसे यो पोजिशन में आ जाना है, फिर आपको आगो के ब्लॉक करना है राइट लेग बैक लेके। जो लेग पीछे है उसी लेग से आपको फ्रंट किक करना है मिड सेक्शन पर। फिर आपको ऐसे ही वापस लेना है, फिर किक जहाँ था वहाँ लेना है। फिर आपको जो लेग पीछे है उसी हाथ से आपको मिड सेक्शन पर पंच करना है। पहले इस टेक्निक को स्लो में प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। देखो और एक बार, आगो के ब्लॉक किक याकुजुकी। आपको एक ही टाइमिंग में प्रैक्टिस करना है, पहले स्लो में करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। देखो मैं अभी मीडियम स्पीड में करके दिखा रहा हूँ। एच नी सम, आपको उसे फास्ट करना है। फिर आपको चेस्ट टर्न लेते हुए बैक जाके गिदन बराई ब्लॉक करना है। देखो ऐसे ही गिदन बराई ब्लॉक करना है। पहले आपको यही पोजिशन में आ जाना है, फिर राइट लेग बैक लेके आगो के ब्लॉक करना है। फिर जो लेग पीछे है उसी लेग से आपको फ्रंट किक करना है मिड सेक्शन पर। फिर आपको किक को ऐसे वापस लाना है, याकुजुकी करना है। फिर आपको चेस्ट टर्न करते हुए गिदन बराई ब्लॉक करना है, चेस्ट टर्न करते हुए गिदन बराई ब्लॉक करना है। फिर आपको मूव फॉरवर्ड उइजुकी याकुजुकी करना है, मूव फॉरवर्ड उइजुकी याकुजुकी करना है। पहले आपको ऐसे यही पोजिशन में आ जाना है, फिर राइट लेग बैक लेके आगो के ब्लॉक करना है। फिर बैक लेग में माइगेरे याकुजुकी करना है। देखो सही माइगेरे याकुजुकी। फिर आपको चेस्ट टर्न करते हुए, चेस्ट टर्न करते हुए बैक जाके गिदन बराई ब्लॉक करना है। ऐसे गिदन बराई ब्लॉक से मुफर्ट उजुकी याकुजुकी। आपको टेक्निक को पहले स्लो में प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है। मैं अभी आपको फुल पावर फुल स्पीड में करके दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। देखो आपको पहले ऐसे वे पोजिशन में आ जाना है, फिर आपको टेक्निक को कम्प्लीट करना है। देखो ऐसे ही मेरे बताए हर स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। आप कहीं पे भी समझ नहीं पाते हो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आपको SMS करना है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जैसे आप घर में रहकर आसानी से सीख पाओ। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, आप घर में रहकर आसानी से सीख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।